बिहार में योगी आदित्यनाथ का जब से राज हुआ है तब से कितने सारे पुलिस वाले मारे गए हैं, जैसे बजरंग दल के नेता हैं, हिंदू युवा वाहिनी, ये अक्सर पुलिस वालों पर जुल्म करते हैं, चाहे मुठभेड़ में चाहे, उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है, मैं क्या मोहम्मद विचार है? शकील सैफी, चेयरमैन इंडिया सैफी फ्रंट। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी का राज आया है, मैं समझता हूँ जंगल राज आ गया है। और इस जंगल राज में एक गाय की कीमत की वैल्यू है, लेकिन पुलिस वाले की कोई, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। बड़ी शर्म की बात है योगी जी के लिए, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए बहुत शर्म की बात है कि पुलिस वाले हथियार ना चलते हुए अपने मुंह से ठाए 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 बोलते हैं, और उनके लिए हथियार नहीं होते हैं पुलिस वालों पे, उनको हथियार उपलब्ध नहीं कराए जाते, लेकिन किसी शहीद के परिवार को लाख का चेक देके, 5 लाख का चेक देके क्या जताना चाहते हैं योगी जी आप? किसी के परिवार से जब एक आदमी शहीद होता है, उसकी पूरी फैमिली बिखर जाती है। मैं योगी जी से अपील करना चाहता हूं, खास करके देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन को जितने भी पुलिस महकमे के डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको हथियार मुहैया कराए जाएं, उनको अच्छे ट्रेनिंग दी जाए, उनके हथियार नहीं चलते हैं। जैसा मैंने अभी कल न्यूज चैनल पे देखा, एक हमारे सिपाही हर्ष चौधरी जो अमरोहा से शहीद हुए हैं, नौजवान थे, मैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। श्रद्धांजलि के साथ साथ हमारे एक और सिपाही जो बुलंदशहर सियाना में गाय के चक्कर में मारे गए, तो योगी जी कब तक ये जंगल राज आप चलाएंगे? अगर आपके बस की उत्तर प्रदेश चलाना नहीं है तो आप रिजाइन दीजिए। और मैं मांग करता हूं आदरणीय राष्ट्रपति साहब से कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, क्योंकि योगी जी के पास सरकार चलाने का ना तो अनुभव है, ना ही योगी जी इस लायक है। और हिंदू वाहिनी वालों को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद वालों को मैं कई बार चेतावनी दे चुका हूं, एक बार फिर चेतावनी के आधार पर कहता हूं कि तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया है तो आप आकर के इंडिया सेफी फ्रंट के कार्यकर्ताओं को छेड़ करके देखो। मैं तुम्हें बताता हूं कि बदमाशगिरी क्या होती है, क्या भारत के नाम पर तुम करते हो। ये तिरंगा झंडा हमारे खून से बना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये सबके खून से बना हुआ तिरंगा है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को हथियार, और रक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को हथियार उपलब्ध कराएं, पुलिस को नहीं तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। जय हिंद, जय भारत।